प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया है। कैबिनेट विस्तार के बाद अब देश में कुल 43 केंद्रीय मंत्री हैं, इनमें से 36 नए चेहरे हैं। बीते दिन ही इन मंत्रियों ने अपने मंत्री पद की शपथ ली है। अब खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हाईकमान की ओर से सभी मंत्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को 15 अगस्त तक राजधानी दिल्ली नहीं छोड़ने के लिए कहा गया है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही इन मंत्रियों को जश्न भी नहीं मनाने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारों के मुताबिक जश्न नहीं मनाने के पीछे कोरोना वायरस की गाइडलाइन हो सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि हाईकमान की ओर से कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए इन सभी मंत्रियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी अपने क्षेत्रों में जश्न नहीं मनाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक शीर्ष नेतृत्व ने सभी मंत्रियों से कहा है कि वह दिल्ली में रहकर अपने अपने मंत्रालय का काम समझें और आगे की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। वहीं सभी नए मंत्री आज पार्टी मुख्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। बता दें कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवसेना और कांग्रेस से होते हुए बीजेपी में आए नारायण राणे और असम में हेमंत बिस्वा सरमा के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले सर्बानंद सोनोवाल समेत 36 नए चेहरे सरकार का हिस्सा बने। वहीं देश के नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कामकाज संभालने के बाद कहा है कि प्रधानमंत्री ने मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है, मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री की अपेक्षा के अनुरूप काम करने की कोशिश करूंगा। बता दें कि इससे पहले ये मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन के पास था। वहीं किरेन रिजिजू ने देश के नए कानून मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। इससे पहले ये मंत्रालय रविशंकर प्रसाद के पास था। वहीं रिजिजू पहले खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वहीं अनुराग ठाकुर को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पदभार संभालने के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है और जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको अच्छी तरह से निभाते हुए प्रयास करेंगे कि जनता की सेवा की जा सके और भारत जिस तरह से दुनिया में अपनी नई छाप बना रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें हम सब लोग और योगदान दे सके। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय रहेगा। वहीं अमित शाह के पास गृह और सहकारिता मंत्रालय, जबकि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बने रहेंगे। वहीं निर्मला सीतारमण वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री के पद पर अपना काम जारी रखेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत न्यूज हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को जरूर फॉलो करें।